बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज आंटी जी का बर्थडे है। सास के बर्थडे पतो मनाई। हाँ ये बात दिखा दे, पतो तभी तुम ही हो। हम तो करते ही, तो हमको तो इसमें बहुत मन लगता है। हे फैमिली, कैसे हो आप सब? होप आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। तितली भी हूँ कर रही है, पहले तितली से बात कर लीजिए फिर मैंने से बात कीजिएगा। हेलो बेटू। तो गाइस तितली बहुत ज्यादा थोड़ा सा परेशान हो गई है, बाहर जाते वाते ना थोड़ा सा इसका तबीयत ढीली सी पड़ गई है। बाकी आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारे घर पे पूजा होता है नाग देवता को, जो लावा दूध लावा चढ़ता है, और लावा बहुत कोई का फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है। ये यहाँ पे लावा ही छुड़ा रहे हैं दोनों भाई। तो भाई हम लोग मस्त लावा खा रहे धान का। मैं तो आगे स्कूल से पढ़ा के आया तो देखा कि माल लेकर आई थी, मैंने बोला भाई बस आज का काम हो गया। पता है हमारे उधर में ये तो छुड़ा हुआ ही मिलता है ऐसे, इसको छुड़ाना नहीं पता धान से, मतलब ये बहुत कम ही पैकेट से मतलब मिलता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में दूध। शहरी गांव यहाँ पर ऐसे ही मिल जाएगा, और आप जब ढूंढिएगा ना तब मिलेगा ये, बस अभी नागपंचमी के टाइम में ही मिलेगा। तो ये बैठ के ये लोग छुड़ा रहे हैं सुबह से, मम्मी अलग छुड़ा रही, ये अलग छुड़ा रहे और हम। और आज तो भाई साहब इतना ब्लंडर हो गया कि क्या ही बताए। आज का जो किचन, नीचे का किचन है, उसका गैस ही खत्म हो गया। तो एक तो पूजा पाठ करना रहता है तो ऐसे ही काम रहता है, बहुत ज़्यादा साफ सफाई पोछा वोछा करना, सब अच्छे से धो के, एंड दूसरा उसके बाद खाना वगैरह बनाना, तो गैस ही खत्म हो गया। तो ऊपर नीचे करते करते हालत ख़राब, ऊपर से तितली अलग ही परेशान कर रही है पता नहीं क्यों आजकल। और इधर हिमांशु बाबू भी आई थिंक छुरा छुरा के खा रहे हैं। हाँ। तो मज़ा मज़ा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तो टाइम पास वाला चीज है, टाइम पास ऐसे हमको लगना जैसे ये लोग मूंगफली मतलब चुरा चुरा के खा रहे हैं। तो हिमांशु का कोई मन्नत था जो कि पूरा हो गया है, हम लोग कल मंदिर में गए थे इसीलिए इनका मन्नत पूरा हो गया है। ओए चेहरे पे स्माइल स्माइल बैठ सब। मन्नत था पूछ लो जी, कौन सा मन्नत था आप बता दीजिए थोड़ा हमारे व्यूअर्स को। अरे चा 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 क्या कर दी दिल्ली, क्या कर दी होली गाना इसके पाँव में, ये वो गर्दन में डाल देंगे सब फंस जाएगी, प्लेटी पकड़ के उलट देगी। इधर तितली भी खाएगी अब, एकदम परेशान कर दिया अपने पापा को। मैं कैसे खाऊं भाई? बेटा प्लेट पकड़ के छींट दे रही है, डर भी लग रहा है गाइस, एक भी अंदर चला जाएगा तो फिर दूसरा ही छींट जाएगा। तो प्यारे देवर जी बताइए की विश जो थी वो पूरी हो गई, मन्नत पूरी हो गई है? पूरी तो हो गई है यार। तो इतना दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? मन्नत पूरी तो खुशी होता है, कल गए थे मंदिर, मन्नत पूरी हो गई आपकी। कब बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, बता दीजिए कौन सी वो मन्नत थी जो आपकी पूरी हुई जल्दी। कल पता है कल सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे क्योंकि शूट यही किया था, क्या क्या बोल रहा था, कैमरा पता नहीं, कैमरा फोकस क्या क्या सब बोलते हैं, बाप रे कैमरा फोकस करो जल्दी हटो। हो सकता है कि इस मंथ या अगले मंथ बता दूं सबको क्या विशेष थी मेरी जो पूरी हो गई। इनकी विशेष अलग ही, अभी मुझे भी नहीं पता है, पता है गाइस आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे पता होगा, मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों हमको तो ये बताएंगे जब आप लोग को भी तभी पता चलेगा, मुझे भी उतना कुछ खास पता नहीं है, बस पता था कि कुछ मन्नत है और मन्नत पूरी होती है तो पूजा किया जाता है और उसके बाद बताएंगे जैसा होगा। चीटी पकड़ ली, बहुत बदमाश हो गई तितली, इतना सब एक तिनका सा भी देखती है ना कोई चीज तो उसको उठाने की कोशिश करते है। अब चीटी काट ली आपको, चीटी का लक्ष्मण रेखा काटा हुआ है, मैंने चीटी का लिया लक्ष्मण रेखा का। हिमांशु कैसे सोते हैं? कैसे सोते हैं? काटिया की चार तरफ लक्ष्मण का भी है कि होकर अंदर से निकला तो नहीं सब बाहर निकल टुक सा काट लिया। तो ये क्या किया ना अब हमारे घर में इतना चीटी हो गया ना, इतना चीटी हो गया क्या ही होता है। तो ये अपने बेड पे बेडशीट के ऊपर से ही लक्ष्मण जी का पूरा घेर दिया है और उसके उसके बीच में मैं ना आप लोगों को जाके उनका बेड दिखाऊंगी कि वो कैसे अपना बेड बनाया हुआ है। थोड़ा सा भी इधर उधर साइड निकलते तो चीटी काट लेते।
रॉक जी बहुत चींटी काट रहा था सब इतना चींटी काट रहा है सबको चींटी तितली को भी काट लिया था गाइस बहुत हंसी मजाक हो गए चींटी को लेके बाकी गर्मी के दिन में चींटियां लगती हैं हर किसी के घर में लग गया हमारे घर में पता नहीं कि एक्सेस लगने लगी है जबकि अभी तुरंत हमारा घर रंग पेंट हुआ था पूरा झाड़ झूल के बहुत अच्छे से बट फिर भी एक्सेस हद से ज्यादा लगने लगी है। तो गाइस देखते ही देखते मस्त शाम का समय हो चुका है और मैं फिर से एक बैच पढ़ा के आ गया। क्या हल्ला कर रहे हैं इसको बस शैतानी करना है। बाकी गाइस हम लोग के साथ एक खूबसूरत सी लेडी है प्यारी सी देख सकते हैं आप हमारी छोटी आंटी जी और आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज आंटी जी का बर्थडे है। अमूमन आप लोग देखते होंगे हमेशा ब्लॉग में रहती हैं तो हैप्पी बर्थडे जी एक बार ऑफिशियली आप सभी के सामने भी मैं विश कर दे रहा हूँ। निशा जल्दी विश कर दो। हमने कर दिया है बाकी व्यूअर्स ये स्टेटस भी लगा दिया मेरा फिर फोन में सबका नंबर उड़ गया है कि मेरा कोई स्टेटस देखेगा ये हम लगा मेरा फोन एकदम नया हो गया समझ लीजिए क्या क्या टिपा गया अपने आप हो गया। तो आज आंटी जी का बर्थडे है आज हम लोग करेंगे शाम में कुछ सेलिब्रेशन करेंगे वो तब आपको अगले ब्लॉग में दिखेगा बट आप लोग खूब सारा प्यार सपोर्ट और कमेंट कीजिएगा आंटी जी के लिए भी सपोर्ट तो नहीं इनका ब्लॉग चैनल नहीं है जल्दी ब्लॉग चैनल बना दिया जाएगा जल्दी बनेगा क्या कह रही है कि हम कुछ बाबू बहुत अच्छा अच्छा कुकिंग करके बनाएंगे हम बोले ठीक है आप कुकिंग कीजिएगा हम टेस्ट करेंगे हम शूट कर देंगे उसके बाद बर्तन धोइएगा। तो अब नहीं ऐसे तो बर्तन धोने वाली आती है बर्तन तो नहीं धोना पड़ेगा लेकिन ये है किसी बहाने अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलेगा भाई साहब तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हमें खाने के लिए क्योंकि तो यही है गाइस देखते हैं और अभी जो बुआ ने दिया था वो आपको दिखाते हैं जरा लाओ दिखाओ तो जरा बुआ ने क्या क्या दिया था दिखा दो सभी को और बुआ भी ब्लॉग को देखेगी आप ही दिखा दीजिए हम दिखाएं हां आंटी दिखाएंगी चलिए आपको पता चल जाएगा बस तितली के लिए मिला है तितली के मम्मी के लिए अनबॉक्सिंग नहीं करती ठीक है हां गिफ्ट अनबॉक्सिंग आज आंटी जी करेंगी देखिए क्या क्या मिला है निशा का जो साड़ी है बहुत क्या कर रही है ये मेरे लिए बर्थडे हो जाएगा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा लेकिन साड़ी बहुत खूबसूरत है आपके दुपट्टे से मैच कर रहा है हल्का फुल्का बहुत अच्छा है ये हो गया किसका है ये निशा का है ये निशा का निशा पहली बार मम्मी से जा चुकी है ये तितली का है ना हां तितली का प्यारा सा ड्रेस है खोलिए उसको देखिए ये बहुत ही प्यारा है अभी तितली में तो नहीं होगा थोड़ा बड़ा होगी तब पन पाएगी देख रही है तो ये भी और यही है ये वाला साड़ी है तो यही चीज मिला था निशा को बहुत ही प्यारा साड़ी बहुत ही खूबसूरत है हाँ टिकली सिंदूर बिंदी पता नहीं और क्या क्या मिला था ना जी लेकिन अच्छा लगा था आप देखिए मतलब पुष्पा बुआला घर जो गए थे एकदम सरप्राइज हो गई थी वो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था बिल्कुल भी पता नहीं था हम लोग जाने खुद पता नहीं था कि हम लोग जाएंगे हाँ ये भी चीज सही है। आंटी जी तो चली गई और मुझे पीना था चाय तो मैंने बोला तो ये दोनों सास को तो अच्छी आई है किचन में एक साथ माँ दूसरा सूट पर दूसरा दुपट्टा पहनी आज है ना अलग ही टाइप का लग रहा है माँ का लुक आज तो चाय लगभग बन ही चुका है और उधर निशा अपने बाबू के लिए देखिए इधर बस खाना तैयार कर रही है और ए आंटी जी को क्या करना है जी मनेगा बर्थडे बर्थडे मनेगा ना हाँ। तो चलिए ठीक है गाइज अब हम लोग करेंगे प्रिपरेशन और वो अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे पूरा कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। मम्मी जी कह रही है क्या बच्चे का बर्थडे मैं बनाती हूँ पति का बर्थडे मैं बनाता हूँ मेरा बर्थडे मैं खुद बनाऊँ उनको बनाना चाहिए पापा ठीक है तो चलो हम लोग मनाया जाएगा हम ही लोग मनाया जाएगा उनका बर्थडे तितली को खिला लो और सास के पतो सास के बर्थडे पतो मनाई हाँ ये बात देखा दे पतो तो अभी तुम ही हो हम तो करते ही तो हमको तो ऐसे में बहुत मन लगता है लेकिन क्या करूँ बाबू जाने के कारण थोड़ा सा काम है अब उसको ऐसे ही खाते किसी और से खा ही नहीं पाती है वो ऐसे खाती मम्मी तो मतलब कहती कि छोड़ दे इसको मत खिलाओ भले ऐसे हाँ गाइस बहुत प्रॉब्लम होती है उसको खाना खिलाने में एकदम रोने लगती है देख के मैं आ जाता है बट चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को कर देते हैं पर मिलते हैं आपसे अगले फ्रेश ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।